कामराज साहू जी, मोतीलाल वोरा जी, अशोक गहलोत जी, लालजी भाई देसाई जी, नितिन रॉट जी, नदीम जावेद जी, पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, ओबीसी डिपार्टमेंट के हमारे सब नेता भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है भैया, आप शांत हो जाएं, बोलने दीजिए भैया, अब शांत हो जाएं दो मिनट। देखिए, देश के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहले नंबर पे बेरोजगारी। देश में हर प्रदेश में युवा रोजगार ढूंढ रहा है। जहां भी जाओ युवा से पूछो, भैया क्या करते हो? कहते हैं कुछ नहीं करते। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स किया, और जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसे नरेंद्र मोदी जी और उनके 15-20 मित्रों ने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है। ओबीसी वर्ग जो है वो ही बेरोजगारी के खिलाफ लड़ सकता है। अगर कोई वर्ग इस देश में रोजगार पैदा कर सकता है तो आप लोग कर सकते हो। आपके सामने चैलेंज है। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोग सब हाथ से काम करते हो, छोटे छोटे बिजनेस चलाते हो, मिडिल साइज बिजनेस चलाते हो, मगर बैंक का पैसा सिर्फ नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, अनिल अंबानी जैसे लोगों को दिया जाता है। 3.5 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने 15 लोगों को दिए हैं। मगर अगर कोई ओबीसी का युवा अपना छोटा सा बिजनेस चलाना चाहता है, खोलना चाहता है, छोटी सी दुकान चलाना चाहता है, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय बैंक का उसको एक भी रुपया नहीं दिया जा सकता है। हिंदुस्तान की सच्चाई है। दो हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, एक प्राइवेट हवाई जहाज वाला, मर्सिडीज गाड़ी वाला, 15-20 लाख रुपए के सूट वाला। उस हिंदुस्तान में बैंक की चाबी नीरव मोदी के हाथ में, जितना भी पैसा उसे चाहिए, 35,000 करोड़ रुपए, एक मनरेगा का पैसा, साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी ने नीरव मोदी को हवाले कर दिया। मगर जो हमारे करोड़ों युवा हैं, ओबीसी वर्ग के युवा, उनको एक रुपया तक नहीं दे सकते हैं। राफेल मामले में अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दिया गया, हवाई जहाज को हिंदुस्तान में बनना था, अलग अलग यूनिट्स लगते, लाखों युवाओं को रोजगार मिलता, मगर ना, अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाना है। नरेंद्र मोदी जी फ्रांस गए उसके साथ, फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है नरेंद्र मोदी ने हमें साफ बता दिया था अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, कुछ भी हो जाए 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज 1600 करोड़ रुपए में खरीदा जाएगा और अनिल अंबानी की जेब में 30,000 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। अगर ये हिंदुस्तान के, ये पैसा अगर हिंदुस्तान के युवाओं को दिया गया होता, लाखों युवा बिजनेस चलाना चाहते हैं, पैसा ढूंढते हैं, बैंक के सामने चक्कर काटते हैं,
मगर उनको एक रुपया नहीं दिया जाता। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। न्याय होना चाहिए, सबके साथ न्याय होना चाहिए। देखिए, लोकसभा में बीजेपी के एमपी हैं, मुझसे मिलते हैं, ओबीसी वर्ग के हैं, मुझे सीधा कहते हैं, भैया यहां पे तो हमारी बात नहीं सुनी जाती, हम कुछ कहते हैं तो हमें कहा जाता है चुप हो जाओ, हमें कोई पावर नहीं दी जाती। पावर तो सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में, नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, आरएसएस के हाथ में। हमें यहां के, हमें यहां बैठा रखा है, हमें कुछ देते नहीं है, करवाते नहीं हमसे कुछ। पूरा का पूरा काम नरेंद्र मोदी और उसके 15-20 उद्योगपति मित्र करते हैं। कांग्रेस पार्टी अलग है, हम सबको जगह देते हैं। गहलोत जी हैं राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, सबसे बात करके मिलके पॉलिसी बनाते हैं। बघेल जी हैं छत्तीसगढ़, सिद्धरमैया जी थे कर्नाटक, अकेला काम नहीं किया इन लोगों ने, सबको मिलाकर जोड़कर कांग्रेस पार्टी काम करती है। तो हमने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है, अगर नरेंद्र मोदी 15-20 लोगों को लाखों करोड़ रुपए दे सकता है, अगर नरेंद्र मोदी अन्याय कर सकता है, तो कांग्रेस पार्टी न्याय दे सकती है। न्याय का मतलब, न्याय का मतलब कांग्रेस पार्टी में हर वर्ग के लिए जगह, कांग्रेस पार्टी में हर आवाज को सुना जाएगा। न्याय का मतलब नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख रुपए देने का वायदा किया था। मैंने कल अपने भाषण में बोला नरेंद्र मोदी जी ने झूठ बोला, 15 लाख रुपए नहीं दिया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी सच बोलेगी, 72,000 रुपए हिंदुस्तान के 20% परिवारों को बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी डाल के दे देगी। ऐतिहासिक काम है, ऐतिहासिक काम है। देखिए, आज आपने देखा, आज नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंसमेंट की, 45 मिनट देश को रोक के रखा, फिर अनाउंसमेंट की, देखा आपने, देखा, मगर अनाउंसमेंट में आपने उनका चेहरा देखा आपने उनका, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को समझ आ गई बात, कांग्रेस पार्टी ने न्याय देने का काम शुरू कर दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख रुपए की बात की, झूठ बोला, हमने कहा नहीं, 15 लाख नहीं दिया जा सकता, एक साल में 72,000 रुपए, 5 साल में 3,60,000 रुपए हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी डाल देगी। ठीक है भाई और बहनों, 15 लाख रुपए हम नहीं दे पाए, मगर हम झूठ कभी नहीं बोलेंगे आपसे, हम सच्चाई बोलेंगे। 3.5 लाख रुपए हर परिवार के बैंक अकाउंट में 5 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी गारंटी करके कह रही है। न्याय का यह मतलब है, न्याय का मतलब यह भी है कि जब हम मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ते हैं और इन तीनों प्रदेशों के किसान हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि देखिए उन्होंने 3.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया, आप हमें न्याय दीजिए, हमारा भी कर्जा माफ कीजिए, तो कांग्रेस पार्टी कहती है हम नरेंद्र मोदी जी से जैसे झूठ नहीं बोलेंगे, मगर हम आपको गारंटी देंगे चुनाव जीतने के 10 दिन न्याय देंगे। गलत कहा, 10 दिन नहीं लगे, 2 दिन के अंदर हमने न्याय दे दिया।
तो हम न्याय की बात कर रहे हैं, वो अन्याय की बात कर रहे हैं। हम आपको सच बताएंगे, वो आपको झूठे वायदे देंगे। हर भाषण में नरेंद्र मोदी कुछ ना कुछ झूठ बोल जाते हैं। 15 लाख किसान को सही दाम। अच्छा भैया छत्तीसगढ़ जाइए, छत्तीसगढ़ से यहां कोई है भैया? एक बात बताइए, छत्तीसगढ़ में धान के लिए छत्तीसगढ़ के किसान को कितना रुपया मिल रहा है आज? 2500 रुपए। अच्छा बताइए बस्तर में, बस्तर में जमीन वापस दी गई छत्तीसगढ़ में? ये देखिए, हमने छत्तीसगढ़ में वायदे किए थे, राजस्थान के लोग यहां हैं, राजस्थान में मुफ्त दवाई देने वाला काम, हेल्थ केयर वाला काम शुरू हो गया ना। तो भाई और बहनों, जो हम कहते हैं वो हम कर डालते हैं। और मैं आपको यहां एक गारंटी दे रहा हूं, मैं आपको ओबीसी वर्ग को, ओबीसी संगठन को एक गारंटी दे रहा हूं, और अच्छी तरह सुन लीजिए। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी आपको जगह देने वाली है। आज कांग्रेस पार्टी के आपको दो चीफ मिनिस्टर दिखाई दे रहे हैं, दो ओबीसी चीफ मिनिस्टर दिखाई दे रहे हैं, आने वाले समय में आपको और ओबीसी चीफ मिनिस्टर दिखाई देंगे, और मंत्री दिखाई देंगे, और एमपी दिखाई देंगे, और एमएलए दिखाई देंगे। मेरी गारंटी है। मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मैंने ये चैलेंज ले लिया है। ओबीसी को, दलित को, आदिवासियों को, गरीबों को, किसानों को कांग्रेस पार्टी में जगह मिलेगी। देखिए, आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं, आप देश को रोजगार देते हो। जहां भी आप देखो ओबीसी वर्ग काम की बात करता है, मन की बात नहीं करता, काम की बात करता है। तो हमने एक मैनिफेस्टो में, एक छोटी सी लाइन में, एक बहुत बड़ी सी चीज की है। आमतौर से ओबीसी वर्ग का कोई युवा जब बिजनेस चलाना चाहता है, खोलना चाहता है, बैंक का उसको पैसा नहीं मिलता, वो पैसा हम देंगे। मगर दूसरी मुश्किल, सबसे बड़ी मुश्किल आती है, छोटा बिजनेस चलाने के लिए आपको परमिशन की जरूरत होती है। अलग अलग एजेंसी में जाओ, हाथ जोड़ो, कहो भैया हमें परमिशन की जरूरत है, इस चीज की परमिशन चाहिए, उस चीज की परमिशन चाहिए, इस चीज की परमिशन चाहिए। बिजनेस खोलने से पहले, छोटी दुकान खोलने से पहले आपको 50-60 परमिशन की जरूरत है। हमने मैनिफेस्टो में लिख लिया है, कोई भी युवा, चाहे वो ओबीसी वर्ग का हो, कोई भी वर्ग, किसी भी वर्ग का हो, अगर वो हिंदुस्तान में बिजनेस खोलना चाहता है, अगर वो मेक इन इंडिया करना चाहता है, 3 साल के लिए उसे किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। परमिशन से मुक्ति लो, आप काम शुरू करो, परमिशन 3 साल बाद लेना, आप अपना बिजनेस चालू करो, एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करो, दुकान, छोटी सी दुकान खोलो, कोई परमिशन की जरूरत नहीं। कांग्रेस पार्टी आपको छूट देती है, 3 साल की छूट देती है। हम मेक इन इंडिया चाहते हैं, मेड इन छत्तीसगढ़, मेड इन राजस्थान, मेड इन दिल्ली, मेड इन कर्नाटक, मेड इन तमिलनाडु, मेड इन अनिल अंबानी नहीं चाहते हम, मेड इन फ्रांस बाय अनिल अंबानी नहीं चाहते, मेड इन इंडिया आप लोगों से चाहते हैं। तो अब मिलके, ज्यादा समय नहीं बचा, आपने आज नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देखा, जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने न्याय की बात शुरू की, चेहरा बदल गया, घबराहट है, डर है कि अब जाने वाला है, अब जाने वाला है, टाइम आ गया जाने का, और टाइम आ गया कांग्रेस पार्टी के आने का। अब आप जाइए, पूरा जोश जोश से जाइए, पोलिंग बूथ पे जाइए, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की बात कीजिए,
नोटबंदी के जरिए जो नुकसान किया उसके बारे में बोलिए, गब्बर सिंह टैक्स जिसको कांग्रेस पार्टी बदलने जा रही है, एक टैक्स, सरल टैक्स, कम से कम टैक्स आपको देने जा रही है, इन चीजों के बारे में आप जाके बताइए, जनता को बताइए, नए इन योजना के बारे में बताइए कि 20% लोगों को, आप सोचिए पिछले यूपीए के समय 14 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला था, ज्यादा से ज्यादा ओबीसी वर्ग के लोग थे, इस बार गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रही है कांग्रेस पार्टी, धड़ाक से एकदम 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से निकाल के हम बाहर ले आएंगे, गरीबी को 21वीं सदी में हम खत्म कर देंगे। उन्होंने गरीब को खत्म करने का काम किया, हम गरीबी को खत्म करेंगे, गरीबी हटाओ न्याय योजना, गरीबी हटाओ न्याय योजना लाओ, कांग्रेस पार्टी को जिताओ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।